हेलो गाइस, आज जो दो स्मार्टफोन मेरे पास हैं उसमें एक स्मार्टफोन है जो मेरे राइट पर है, वो है टेक्नो स्पार्क गो, और मेरे लेफ्ट हैंड में है ऑनर 8A। तो गाइस, टेक्नो की प्राइस है ऑलमोस्ट 14,000 और ऑनर 8A की प्राइस है ऑलमोस्ट 20,000, और दोनों एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन हम देखेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें गेम टेस्ट और हीटिंग टेस्ट क्या मिलता है और इन दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि टेक्नो स्पार्क गो की स्टोरेज हमारे पास 2GB एंड 16GB है, और ऑनर 8A की हमारे पास स्टोरेज है 2GB एंड 32GB। टाइम दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस, बैटरी की अगर बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो में हमारे पास जो बैटरी है वो है इस टाइम पे 46%, और ऑनर 8A की बैटरी है इस टाइम पर हमारे पास 66%। नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हैं कि सिर्फ वाईफाई ऑन है और दोनों की ब्राइटनेस फुल है। तो टेक्नो स्पार्क गो का डिस्प्ले साइड से जो टेम्परेचर है वो है 27, और अगर बैक साइड से देखें तो इसका टेम्परेचर है 29। और अब देखते हैं ऑनर 8A का डिस्प्ले टेम्परेचर। ऑनर 8A का डिस्प्ले टेम्परेचर है 27, और बैक साइड से इसका टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 27। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब इन दोनों स्मार्टफोन्स में गेमिंग। दोनों स्मार्टफोन्स में हम ऑलमोस्ट 1 बजे तक गेम प्ले करेंगे और देखेंगे उसके बाद इसका टेम्परेचर और हीट क्या आती है हमारे पास। तो गाइस, ये है ऑनर 8A और इसकी ग्राफिक सेटिंग लो पर है और फ्रेम्स पर सेकंड मीडियम है, और ये है टेक्नो स्पार्क गो और इसकी भी ग्राफिक सेटिंग आप देख सकते हैं कि लो पर है और मीडियम पे है फ्रेम पर सेकंड। इन दोनों स्मार्टफोन्स का गेम प्ले, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेक्नो स्पार्क गो की बैटरी जब हमने स्टार्ट की थी तो थी 46%, और अब इसकी बैटरी है 13%। और अगर इसका हीट टेस्ट करें तो डिस्प्ले पे इसका टेम्परेचर आ रहा है 31.6, और बैक का टेम्परेचर है इसका ऑलमोस्ट 32.3 डिग्री। और ऑनर 8A का अगर देखें तो इसकी बैटरी थी जब हमने गेम प्ले स्टार्ट किया था तो 66%, और अब इसकी बैटरी है 46%। अगर इसके डिस्प्ले का अब टेम्परेचर नोट डाउन करें तो वो आ रहा है ऑलमोस्ट 31.9, ऑलमोस्ट 32। और अगर इसकी बैक का टेम्परेचर नोट करें तो वो है 31.7। तो गाइज, ये था दोनों स्मार्टफोन्स का हीट टेस्ट और गेमिंग टेस्ट, और मे बी चिपसेट की वजह से मुझे ऑनर 8A पसंद आया, क्योंकि ना हैंग हो रहा था ना लैंग हो रहा था कहीं पे भी। आप लोगों को कौन से स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बेहतर लगी है इससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।